माय नेम इज़ आरके शर्मा। आज हमारा टॉपिक है डायरेक्शन टेस्ट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से सवाल एग्जाम में ज़रूर आता है। अगर आप बैंकिंग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एक सवाल यहाँ से ज़रूर पूछा जाएगा। सो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि डायरेक्शन टेस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे आप समझेंगे कि डायरेक्शन टेस्ट के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि चार मेन डायरेक्शन होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। देर आर फोर मेन डायरेक्शंस। और दूसरा हम देखते हैं कि जो दो डायरेक्शन जो मेन डायरेक्शंस होती है, जैसे नॉर्थ और ईस्ट की बात करें, ईस्ट और साउथ की बात करें, साउथ और वेस्ट की बात करें, नॉर्थ और वेस्ट की बात करें, तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो एंगल फॉर्म होता है 90 डिग्री का। 90 डिग्री का एंगल बनेगा दो मेन डायरेक्शंस में। 90 डिग्री, दिस इज अगेन 90 डिग्री एंड 90 डिग्री। सवाल कैसे पूछे जाते हैं? सवाल जनरली इस तरह से पूछे जाते हैं कि कोई आदमी नॉर्थ को मूव कर रहा है, उसने राइट को टर्न किया, उसके बाद उसने लेफ्ट को टर्न किया, फिर राइट को टर्न किया, तो वो राइट लेफ्ट की जो डायरेक्शंस है उसको आपको अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। तो चलिए हम एक छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। सपोज आपके पास कोई पर्सन है राम, राम नॉर्थ की तरफ को मूव करता है, तो आप देखेंगे किधर को मूव कर रहा है, सेंटर पॉइंट से हम कंसिडर करेंगे। राम ने नॉर्थ को मूव किया, नॉर्थ में जाने के बाद उसने राइट को टर्न किया। जब कोई पर्सन राइट को टर्न करेगा नॉर्थ में, तो डायरेक्शन इस साइड को हो जाएगी, दिस इज राइट। राइट में मूव करने के बाद वो पर्सन यानी कि राम फिर राइट को मूव करता है, राइट मतलब फिर नीचे को हो जाएगा अगेन। हमने इस पॉइंट से चलना शुरू किया, राम मूव कर रहा था नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ में जाने के बाद उसने राइट को टर्न किया तो वो चला गया इस साइड को। यदि राम ने लेफ्ट को टर्न किया होता तो राम वेस्ट साइड को मूव कर जाता। जो अपने नॉर्थ की डायरेक्शन राइट और लेफ्ट की है, इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा साउथ में। जिस तरफ को हमने राइट लिखा है वो लेफ्ट हो जाएगा, और जिस तरफ को हमने लेफ्ट लिखा है वो राइट हो जाएगा। अगेन यदि राम ने ईस्ट की तरफ को मूव किया होता तो लेफ्ट साइड हो जाती नॉर्थ साइड, राइट साइड हो जाती है आपकी साउथ साइड। और इसी का बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा वेस्ट में, जिस तरफ जिस साइड ईस्ट की तरफ को जहाँ लेफ्ट था वहाँ राइट हो जाएगा वेस्ट साइड को, और जहाँ आपका राइट था वहाँ लेफ्ट हो जाएगा। एक बार इसको थोड़ा समझ लेते हैं। कोई पर्सन है राम, यदि राम नॉर्थ की तरफ मूव करता है तो आप हम देखते हैं कि नॉर्थ मतलब इस ओर जाएगा, और नॉर्थ में जाने के बाद यदि राम ने राइट को टर्न किया होता तो राम ईस्ट की तरफ को चला जाता। अगर ईस्ट साइड में जाने के बाद राम ने फिर राइट को टर्न किया होता तो इस तरीके से साउथ में आ जाता, साउथ में जाने के बाद यदि उसने अगेन राइट को टर्न किया होता तो वो वेस्ट की तरफ आ जाता। ये मेन आपके पास एक फिगर है जो कि आपको अच्छे तरीके से आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए। मैं इसी पे कुछ क्वेश्चंस की बात करूँगा कि कैसे लोग सवाल कर सकते हैं। सपोज राम है कोई पर्सन, हम हमेशा कंसिडर करेंगे सेंटर पॉइंट से। राम नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है, दिस इज नॉर्थ। नॉर्थ की तरफ जब राम जा रहा है तो उसने 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। नॉर्थ में जाने के बाद अब राम राइट साइड को टर्न कर रहा है, तो राइट साइड मतलब मैंने बताया था कि आपको ईस्ट की साइड को मूव करना है। राइट साइड में जाने के बाद राम ने 6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। अगेन राम फिर राइट साइड को मूव करता है और 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है, दिस इज राइट साइड। The distance is 5 kilometer. Then find out what is the shortest distance he covered from the original point. So this is original point. यहाँ से उसने चलना शुरू किया। अब आपने बताना है कि original point से राम कितने distance पे है। तो आप जानते हैं कि this is the point जहाँ अभी है वो है, इस point से उसने चलना शुरू किया था। So the distance, क्योंकि ये दोनों equal है 5 kilometer, 5 kilometer, फिर distance भी आपका equal हो जाएगा। Our answer is 6 kilometer.